गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो लंच की थोड़ी सी तैयारी करके मैं चली गई थी अपने मॉर्निंग वॉक के लिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डेली रूटीन का और पूरी कोशिश रहती है कि ये मिस ना हो। और मॉनसून आने वाला है तो वेदर वैसे भी थोड़ा बेटर हो गया है। खैर, अराउंड 3600 स्टेप्स कंप्लीट करके मैं पहुंच गई थी घर और रेडी होके स्टार्ट कर दिया था लंच बनाना। और विनायक का आज वर्क फ्रॉम होम नहीं था और जल्दी भी निकलना था, तो मेरी ड्यूटी थी नीर को डे केयर ड्रॉप करना। तो न्यूट्री आलू की टेम्पटिंग सी सब्जी हो गई थी रेडी और साथ ही में नीर का ब्रेकफास्ट भी बन गया था, जिसमें आज मैंने बनाया था सूजी का उपमा। नीर को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ज़्यादातर मैं वेजीज वाला ही बनाती हूँ, लेकिन नीर को आज बहुत ही सिंपल सा लेके जाने का मन था, तो बस मैंने उसके अंदर नॉर्मल तड़का लगाया, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला और प्याज, और मसालों में यूज़ किया था सिर्फ नमक। तो सूजी डाल के इसको अच्छे से भूना और लास्ट में डाल दिया था इसके अंदर मैंने बॉयल्ड वाटर, जो था 3 times ऑफ सूजी। डे केयर जाते हुए नीर वैसे एक्साइटेड रहता है क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि आजकल चल रहा है क्रिकेट। उनकी प्रॉपर्टी पे डे केयर की प्रॉपर्टी पे नुकसान नहीं होना चाहिए। बोलते हैं ना कि ये बॉल लाया है नीर और इसके साथ खेलता रहेगा। ठीक है, ठीक है। इसका डिस्प्ले नहीं चल रहा, खराब ही प्रॉब्लम्स रह रही है लिफ्ट में। चलो ये वाली आ जाइए। अभी वेरी गुड, देख लो एक हाथ से भी कैच हो रही है मेरे से। तो बच्चों में क्रिकेट का फीवर है ऑन। खैर, नीर को ड्रेक कर ड्रॉप किया और मैं चल पड़ी थी अपने ऑफिस। और शाम को सारा का सारा टाइम हम दोनों का होता है सिर्फ और सिर्फ नीर के लिए, जो कि हमारा फैमिली टाइम भी है। मैं थका आया, अभी मत बोल देना है पढ़ाई करो, वो कढ़ाई करो, अभी मुझे आज डिनर में कुछ डिफरेंट सा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने बना दी थी सेव टमाटर की सब्जी, जो बहुत ही क्विकली बन जाती है। डिनर में ज़्यादातर हमारे यहाँ सूजी या फिर सब्जियों वाला दलिया ही बनता है, लेकिन कभी कभार ये बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता, ना ही दाल और ना ही कोई वेजिटेबल। कभी आपका भी ऐसा मन हो तो सेव टमाटर की सब्जी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है, नॉर्मल जैसे कि हम प्याज टमाटर का मसाला रेडी करते हैं, बस बिल्कुल वैसे ही किया। और इसके अंदर पानी डाल के मैंने इसको थोड़ी देर बॉयल कर लिया था और थोड़ी सी मलाई भी डाली थी, और लास्ट में इसके अंदर डाल दी थी 1 कटोरी सेव। ज़्यादातर इसमें मोटी सेव ही डालते हैं, लेकिन मैंने ली थी बारीक वाली सेव। दोनों ही बहुत टेस्टी बनती है और आज का हमारा डिनर हो गया था रेडी, जो सबको बहुत ही पसंद आया। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइएगा। ऐसे समझो, ऐसे क्या किया मैं, मेरे को एक स्ट्राइकर बनाया था तो क्या हुआ ये समझो, यहाँ पे मैं मेरे से 1000 गुना प्रो प्लेयर मेरे सामने खड़ा था, मेरे पास थी बॉल, लेकिन वो पास हुई थी। मैं आगे गया समझो, ये थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे प्लेयर है उसके थोड़े से आगे पोस्ट है, ठीक है। ये प्लेयर मैंने क्या किया, आपके पैर में कितनी मिट्टी लगी हुई है ना, वही तो धो लेना अभी जाके। धो तो नहीं, ये थोड़ी हल्की बॉल है तो मतलब मैंने इसको ऐसे उधर कर दिया ताकि बॉल ले ना पाए। फिर उसने मेरे से छीलने की ट्राई की, फिर मैंने क्या किया, मैंने बॉल को ऐसे पीछे लिया, फिर एक और बारी ऐसे किया और गोल कर दिया। बहुत अच्छा किया। और फिर एक और बारी मैंने की थी कि जो एक में अब जो दोस्त है मेरे, उसने मेरे को पास दी, फिर मैं आगे गया, फिर मैंने सेम ट्रिक अपना ये की और गोल कर। अब आपकी तो इज्जत बन रही होगी फुटबॉल टीम के सामने, तो दूसरे प्लेयर के सामने, उनके सामने तो थोड़ी इज्जत बन रही होगी, इज्जत बन रही है। मतलब मैं खुद को बिल्कुल हाई लेवल स्ट्राइकर नहीं बोलूंगा, पर डिसेंट अच्छा स्ट्राइकर। वो आपकी तो रिस्पेक्ट करने लगे होंगे कि ये किसी काम का तो है प्लेयर। ऐसे भी किया था, मतलब ऐसे मतलब क्या होता है, ऐसे कि वेल डन टाइप। पसीना भी कितना आ रहा, पेट पतला हो गया मेरा, पेट पतला तो अभी मोटा हो जाएगा जब बाहर का खाओगे। स्कूल के बाद जाओगे, जब स्कूल खुल जाएंगे, जब स्कूल खुल जाएंगे थके आ रहे आओगे तो चले जाओगे शाम को। थके आ रहे मुझे सब, 5:30 जाऊंगा ना, पढ़ाई में लर्न करो ये करो, उसमें तो दिमाग लगता है, खेलने में दिमाग लगता है, पर मजे में एकदम खुल्ले डुल्ले ऐसे दिमाग, तब ना मजा आता है वो करने में, खेलने में, तो इसलिए दिमाग एकदम मजे में। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि नीर पढ़ाई कर लो, या फिर मैं बोलूं नीर खेलने जाओ, तो आप खेलने जाओगे? खेलने जाऊंगा। अगर मैं बोलूं नीर खेलने चलो, मन में मैं टॉपर नहीं, नीर खेलने चलो, नीर दही भल्ले खाने चलते हैं, कहाँ जाओगे फिर? दही भल्ले खाने। अगर मैं बोलूं नीर खेलने जाना है कि पिज्जा मंगवा दूं, खेलने।
ये कैसे चमत्कार हो गया। ठीक है फिर, ठीक है, याद रखना ये बोला है आपने, ये बहुत जल्दी बोलूंगी मैं। तो ऐसे ही था आज का हमारा बिजी सा डे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।